आज हम बहुत ही कम तेल और घी में ब्रेकफास्ट के लिए बनाने जा रहे हैं आलू की सैंडविच। आलू की सैंडविच बनाने के लिए चाहिए 3 उबले हुए आलू, एक छोटा प्याज महीन कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक छोटा टुकड़ा अदरक कद्दूकस किया हुआ, 2 टीस्पून पिसी हुई सरसों पीली वाली, आधा टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टी स्पून हरी धनिया पाउडर, यदि आपके पास फ्रेश धनिया है तो आप फ्रेश धनिया डालें, नमक स्वादानुसार, मक्खन और रिफाइंड तेल। इसे बनाना कैसे मैं आपको बता रही हूँ। गैस पर हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखेंगे, उस पर हम डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच से भी कम तेल और उसे गरम होने देंगे। जब तक वो गरम हो रहा है तो हम दूसरी तरफ एक नॉन स्टिक तवा चढ़ा देंगे गरम होने के लिए। मैं आपको तवे और तंदूर सैंडविच क्रॉकटर दोनों में ही बनाना बतला रही हूँ। देखिए तेल गरम हो गया है, सबसे पहले हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। हम डालेंगे महीन कटा हुआ प्याज और इसे एक से 2 मिनट भूनेंगे। आज को हम तेज ही रखेंगे, जब तक आलू भून रहा है तो हम आलू को, प्याज भून रहा है जब तक हम आलू को मैश कर लेंगे। चम्मच से आप इस तरह छोड़ दीजिए। आलू को चम्मच से अच्छी तरह तोड़कर मैश कर लीजिए और इसे हम प्याज के साथ भून लेंगे। साथ ही हम डाल देंगे किसी भी पीले सरसों, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक में 1/2 टीस्पून डाल दी हूँ, आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा क्योंकि चीज में भी नमक होता है। इसे हम 2 से 3 मिनट चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। गैस की आंच को तेज रखेंगे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब तक ये भून रहा है तो हम तवे पे देखें 2 पीस ब्रेड रख दिए हैं, गैस भी मैंने ऑन कर दी थी। अब डायरेक्ट इसमें हम पनीर को कद्दूकस कर देंगे। यदि आप पनीर न, यदि आप, मैंने गलती से पनीर बोल दिया था, यदि आप चीज न डालें, आपकी इच्छा हो तो नहीं डालते, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है चीज डालना। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, जिस तरह ने कढ़ाई छोड़ दिया है अब हम गैस को बंद कर देंगे। ब्रेड भी देख रहे हैं हल्की एक तरफ से सिक गई है। अब इसी समय हम क्या करेंगे, इसमें आलू का ये जो मिश्रण है लगा देंगे और उसे चम्मच से फैला देंगे। मिश्रण को फैला दिए हैं और दूसरे ब्रेड से इसे हम कवर कर देंगे और बहुत हल्का मक्खन लगाएंगे इसमें। देखना, मैंने बहुत थोड़ा सा मक्खन लगाया है और इसे पलट कर दूसरी तरफ भी हल्का सा मक्खन लगाएंगे। गैस की आंच को हम मध्यम रखेंगे, ना तो अधिक तेज रहेगा ना तो धीमा। अब दूसरे ब्रेड में आपको सैंडविच क्रॉकटर में सेक बतलाती हूँ। सैंडविच क्रॉकटर को भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। देखिए मैंने इसमें आलू का मिश्रण फैलाया और उसके ऊपर मैंने दूसरी वाली ब्रेड रखी और हल्का सा मक्खन लगाया, पलट कर भी इसमें हम मक्खन लगाएंगे।
बहुत हल्का हल्का मक्खन लगाएंगे और इसे सैंडविच क्रॉप्टन में सेकने के लिए रख देंगे। इसको सिकने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए दोनों तरफ से सैंडविच एकदम गोल्डन ब्राउन सिक गई है। इसको बंद करते हैं, गैस तंदूर की भी देखते हैं बंद करके स्विच। देखिए ये भी कितनी अच्छी सिक गई है। अब दोनों को हम निकालते हैं और इसे हम सर्व करेंगे। पहले एक पीस को लेंगे और उसे काटेंगे। सैंडविच बनकर तैयार है। ये उसमें तंदूर की सिकी हुई है इलेक्ट्रिक, और ये आपकी तवे की सिकी हुई सैंडविच है। आप दोनों सैंडविच बनाइए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।